जी हाँ, गोपाला धीरे रंग हजार, बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा दे। कान्हा के रंग में सराबोर हुआ पूरा संसार है इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। जन्माष्टमी का त्यौहार जन्मोत्सव नंदलाल का बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव पर जमकर झूमे हैं श्रद्धालु, चाहे वो संत हो चाहे आम जनमानस हो। देश भर में जन्माष्टमी को लेकर खूब उत्साह देखने को मिला। इसी कड़ी में गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में भी जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ जन्माष्टमी मनाई। मुख्यमंत्री ने कृष्ण बने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। कोई कृष्ण बना तो कोई राधा, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। मथुरा वृंदावन में भक्तों की भीड़ उमड़ी। लगातार सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़, देश ही नहीं विदेश में भी जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चाहे मथुरा की बात करें या वृंदावन की बात करें, पेरिस के स्कॉन मंदिर में भी भक्तों की भीड़ इस दिन देखने को मिली। जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश विदेश में मनाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्निग्धा रितेश जुड़ी हुई हैं। स्निग्धा, जगह जगह जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो संत समाज की बात करें या आम जनमानस की बात करें, क्या रंग देखने को मिले जन्माष्टमी के अवसर पर? देखिए सोनी, आपको बताना चाहेंगे जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जो कि देश में नहीं विदेश में भी कृष्ण जी के जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपासक मौजूद हैं और वो यहाँ पर आके बहुत ही उत्साह से हर्षोल्लास से जन्माष्टमी मनाते हैं। और इसी के मद्देनजर पूरे उत्तर प्रदेश में भी लगातार रौनक बनी रही है और इस बार जो तिथि लग रही है वो दो दिन लग रही है, यानी जन्माष्टमी 23 और 24 दोनों ही दिन मनाई जाएगी और आज भी एक बड़ा उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगीनाथ मथुरा में वहां जाएंगे, वहां पे एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा और ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े स्तर पर इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिस तरीके से हम देखें कि दीपोत्सव को बहुत ही एक नए रूप में पेश किया था मुख्यमंत्री की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसी तरीके से अब उसी की तर्ज पे अब कृष्ण जन्मोत्सव यानी कृष्णोत्सव को भी बहुत ही भव्य और व्यापक स्तर पर इसका आज जो है वहां पे सेलिब्रेशन होगा, उसको मनाया जाएगा। और इसके मुख्य आकर्षण सोनी आपको बताना चाहेंगे, आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं और लगातार कई चैनल्स भी लाइव दिखाते हैं कि दही हांडी जो होती है, जो कार्यक्रम होता है हांडी दही की फोड़ने का, वो एक बड़ा ही मुख्य आकर्षण होता है। तमाम लोग उसको बड़े ही क्रेज से देखते हैं, बहुत उत्सुकता रहती है लोगों के अंदर उस कार्यक्रम कह सकते हैं या कोई प्रथा कहा जा सकता है उसको। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम, ये बड़ा आकर्षण होने जा रहा है इस कार्यक्रम में। इसके लिए खास तौर से मुंबई से एक टोली, एक ग्रुप बुलाया जा रहा है जो इस कार्यक्रम को करेंगे, वहां पे पेश करेंगे, वहां पे ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके साथ ही हम बात करें तो 1000 कलाकार हैं वहां पे जो शोभा यात्रा में सहभागिता करेंगे, शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो ये इसके बाद ये कार्यक्रम भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3:30 बजे, 3:30 से 4 के बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है वहां पे मथुरा के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और इस भव्य कार्यक्रम में भाग लेंगे और भक्तों से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे और अपना उद्बोधन देंगे। बिल्कुल स्निग्धा, अगर देखा जाए, जैसा कि आपने बताया, कल भी एक धूम देखने को मिली जन्माष्टमी के अवसर पर और आज भी कुछ ऐसा ही नजारा नजर आने वाला है और भव्य तरीके से जगह जगह प्रोग्राम भी आयोजित किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। जैसा कि जो तस्वीरें बयां कर रही थी कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिस तरीके से बच्चों के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए, कृष्ण राधा के रूप में जो बच्चे सजे धजे थे उनके साथ सेल्फी और उस त्योहार को बहुत ही भावपूर्ण ढंग से मनाते नजर आए। आज आज की अगर बात करें तो आज एक संत समाज में क्या कुछ उत्सुकता देखने को मिल रही है जन्माष्टमी को लेकर?
देखिए निश्चित तौर पर संत समाज में इसको लेके काफी उत्सुकता है, बेहद महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है ये में। और खास तौर पे अगर बात करूं मथुरा और वृंदावन की, तो वहां पर जो मंदिर है और जो जन्म स्थान है कृष्ण जी का, वहां पर काफी समय पहले से ही लोग जो हैं, जो संत समाज है, जो मंदिर के केयर टेकर्स होते हैं, वो काफी समय पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं सोनी। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है ये और उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है। और अगर हम बात करें साज सजावट की और तमाम चीजों की, प्रसाद वगैरह की तैयारियां, वो काफी पहले से शुरू हो जाती हैं, तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं और काफी कह सकते हैं वॉलंटियर्स होते हैं, जो भक्त होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं, किस तरह से व्यवस्था बनानी है, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है। लोग खाली मथुरा वृंदावन के नहीं होते, दूर दूर से लोग आते हैं। कल भी हम देख रहे थे तमाम जगह देखने को ये मिला कि लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो देश भर से लोग जो है भक्त जो है वो पधारते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए भी एक पूरी व्यवस्था बनानी होती है, प्रशासन की मदद लेने की जरूरत होती है, तो इन सब चीजों को लेके भी पूरी प्लानिंग की जाती है। और सुव्यवस्थित तरीके से आपने देखा होगा कि आपने अगर लाइव देखी है, हमने भी चैनल में दिखाया था कि टीवी चैनल्स भी अगर लाइव कर रहे होते तो कोई भी ऐसी बाधा ना आए, कोई बाधा उत्पन्न हो और किसी भी तरह के केओस ना आए, कोई भी परेशानी ना आए, इसकी खास जो है उसका ध्यान रखा जाता है, चाहे वो भक्तों के लिए बात हो, चाहे वो मीडिया की बात हो, या तमाम तरीके के इंतजामों को लेकर बात हो, पूरी तरीके से कैसे प्रसाद का वितरण होगा, कैसे क्या इंतजाम होंगे, सुरक्षा की क्या दृष्टि से क्या इंतजाम किए जा सकते हैं, किस तरह से पूरा कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है और काफी पहले से। और संत समाज को लेके कहें तो संत तो उनके लिए तो खैर ईश्वर से भरा, किसी के लिए भी ईश्वर से ऊपर कोई नहीं होता है, और उनके लिए जो त्योहार है ये काफी मायने रखता है और इसको लेके काफी पहले से वो तैयारियां शुरू कर देते हैं और बहुत ही उत्सुकता देखने को मिलती है। और एक और बात हम कहना चाहेंगे सोनी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव के कार्यक्रम को इतने बड़े लेवल पर लेके गए, वो इतना बड़ा उसको व्यापक स्तर पर उसका वृहद जो है बनाया उसको, तो उसी तरीके से अब इसको भी कोशिश की जा रही है कि अब जो है कृष्णोत्सव को भी उसी रूप में लेके आए, भव्य रूप में लेकर आए, तो जाहिर तौर पर संत समाज को कह सकते हैं कुल मिलाकर एक भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है। और कोई भी त्योहार हो, अगर वो हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ है और ये सदियों से मनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका स्वरूप और आगे चलते चलते भव्य होता जा रहा है और भी अच्छे तरीके से उसे मनाया जा रहा है। स्निग्धा, आम जनमानस की अगर बात की जाए, कल भी जन्माष्टमी का त्यौहार लोगों ने मनाया और आज भी जन्माष्टमी का त्यौहार देखा जाए तो मनाया जा रहा है, मंदिरों में रंगारंग कार्यक्रम, आरती का एक व्यवस्थित तरीके से प्रावधान, और पुजारियों का भी एक जो एक मिलजुल कर इस जन्माष्टमी के त्यौहार को पूजा अर्चना करने की जो परंपरा है वो होगी, कई कार्यक्रम भी इस उद्देश्य में आयोजित किए गए होंगे, इससे संबंधित जानकारी और साथ ही आम जनमानस में कैसे उत्सुकता देखने को मिल रही है जन्माष्टमी को लेकर। देखिए सोनी, जैसे मैंने बताया कि कल भी जिस तरीके से कार्यक्रम किए गए उसमें पहले दर्शन से पहले के लिए तो तैयारी होती ही है, लेकिन उसके बाद जब जन्म हो जाता है कृष्ण जी का, उसके बाद आरती होती है, आरती के बाद प्रसाद वितरण होता है, तो ये तमाम तरीके के कार्यक्रम होते हैं, साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम भी होते रहते हैं, कृष्ण और राधा के रूप में बच्चे हमें दिखाई देते हैं, तमाम कलाकार हमें दिखाई देते हैं जो रासलीला करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये सारे भी कह सकते हैं बहुत आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, और लोग भक्त जो हैं जो तमाम जगहों से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, उनको और क्या चाहिए, आप किसी मंदिर में जाएं और आपको भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएं तो जाहिर सी बात है सोनी, बहुत ही संतुष्टि का एहसास उनको होता है, तो यही सारे भावनाएं उनके अंदर भी दिखाई दी, उनको भी देखने को मिली, जिन जिन से बात की गई, जिन लोगों से जायजा लिया गया कैसे यहाँ पे इंतजाम है, क्या कुछ है और आप कहाँ से आए, लोगों के अंदर बहुत उत्साह था, 8-8 बजे से ही लोग जो है लाइनों में लगने शुरू हो गए थे, सुबह से ही लोग वहां पर आ गए थे कि आज हमें इस कार्यक्रम में भाग लेना है, और रात भर लोग जो है वहां पर जो है हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आए, और अच्छा फीडबैक था क्योंकि जो इंतजाम किए गए थे वो काफी अच्छे थे और लोगों को पूरी की पूरी संतुष्टि मिली जिसके लिए वो आए थे, वो पूरा हो गया, उनका कह सकते हैं कि जिम्मेदारी है दर्शन उनको अच्छे से त्योहार को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की,
उससे भी कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नजर आए और जन्माष्टमी का ये त्यौहार बहुत ही उत्सुकता के साथ मनाते नजर आए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जन्माष्टमी का त्यौहार जगह जगह मनाया जा रहा है, कल भी लोगों ने मनाया और आज मंदिरों में खासतौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूजा अर्चना के साथ ही भव्य आरती का प्रावधान रखा जाएगा और कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। प्रशासनिक जिम्मेदारी भी काफी अहम है, जिसकी तरफ से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी जाएंगी। तो जन्माष्टमी के अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनकी एक एक कर तस्वीर आपके सामने रखेंगे। फिलहाल